बजट पेश होने के एक दिन पहले जनवरी 2022 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए गए हैं। ऐसे में देश भर में कितना हुआ जीएसटी कलेक्शन, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के बीच इस बार का जीएसटी कलेक्शन सरकार के चेहरे पर बहार लेकर आई है, क्योंकि आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कोरोना के दौर में भी लोगों की आय पहले के मुकाबले बढ़ी है। जीएसटी कलेक्शन ग्राफ देखें तो जनवरी 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.38 लाख करोड़ रहा, जबकि जनवरी 2021 की तुलना में जीएसटी कलेक्शन 15% अधिक रहा है। इस तरह लगातार सातवीं बार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा। इस बीच सरकार का कहना है कि आर्थिक सुधार के साथ टैक्स चोरी विरोधी गतिविधियों पर खास तौर से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई से जीएसटी बढ़ा। वित्त मंत्रालय का मानना है कि आने वाले महीनों में भी रेवेन्यू में पॉजिटिव रुझान बना रहेगा। वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे और जीएसटी कलेक्शन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा तो विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने का नया तरीका भी ढूंढ निकाला है। ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जीएसटी कलेक्शन के बोझ से देश की जनता परेशान है, जबकि मोदी सरकार के लिए कर से कमाई एक बड़ी उपलब्धि है। यह नजरिए का अंतर है, वे सिर्फ अपनी कमाई देखते हैं, लोगों का दर्द नहीं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि आर्थिक सर्वे में वही पुरानी बातें दोहराई गई है, 2 वर्षों में करोड़ों नौकरियां चली गई, 84% परिवारों की आय घट गई, भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 104 स्थान पर है, यह डींगे हांकने और ख्वाबों में बने रहने का समय नहीं है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।